हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सबकी विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे कुछ 8 बिट के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपका जो रजिस्टर थे, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा था। तो वो आपके जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन थे वो आपके फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इस सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हैं। तो आप वो सारे वीडियोस एक सीरीज में देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो नए वीडियोज हैं उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक ग्रुप पर, हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कुछ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। माइक्रोप्रोसेसर में हमने स्टार्टिंग के वीडियोज में देखा था कि टोटल 256 इंस्ट्रक्शन है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अभी हमें देखने हैं, तो हम एक एक करके इंस्ट्रक्शन में आपको जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा। आपको ध्यान लगा के इंस्ट्रक्शन याद रखने हैं और उनकी जो कंडीशन है वो याद रखनी है, क्योंकि जब आपको इंस्ट्रक्शन की कंडीशन याद होगी तभी आप माइक्रोप्रोसेसर के क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। और जितने वीडियो में माइक्रोप्रोसेसर की बनाऊंगा उसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको ये वीडियोस अच्छे से देखने हैं और जो इंस्ट्रक्शन की कंडीशन है उनको याद रखनी है। तो मैं एक एक करके इंस्ट्रक्शन को बोलता जाऊंगा, उनकी कंडीशन बोलता जाऊंगा और आपको उनको याद रखना है। तो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहला आपका नोब, इसके साथ आपका कोई ऑपरेंड वैल्यू नहीं होगी या कोई रजिस्टर वैल्यू या 8 बिट का डेटा या एड्रेस कुछ भी नहीं होगा। आपका केवल सिंपल इंस्ट्रक्शन होगा नोब, इसका मतलब होता है आपका नो ऑपरेशन। और जो इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो होती है 1 byte। इसका ऑपरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर विल नॉट परफॉर्म एनी टास्क, इट रिमेन इन आइडियल कंडीशन। अगर आपने ये नोब ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में लगाया है तो जो आपका माइक्रोप्रोसेसर होगा वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, आइडियल कंडीशन में होगा, और आपका माइक्रोप्रोसेसर पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसको मेनली यूज कहाँ करते हैं हम, जैसे हमें प्रोग्रामिंग में डिले क्रिएट करना है तो हम वहां पर नॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो आपका जो प्रोग्राम होगा उसमें कुछ डिले क्रिएट हो जाएगा। तो ये होगा मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो इसी सीरीज में हम आप आगे देखते हैं, अगला मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है आपका हाल्ट। इसके साथ भी आपका कोई ऑपरेंड नहीं होगा, कोई रजिस्टर नहीं होगा, कोई एड्रेस नहीं होगा। इसकी जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होती है वो होती है 1 byte। इसका ऑपरेशन आपका होता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर विल स्टॉप। प्रोग्राम काउंटर हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। प्रोग्राम काउंटर आपका क्या करता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फीड करता है प्रोग्राम काउंटर में। लेकिन जब हम प्रोग्राम में आप हाल्ट इंस्ट्रक्शन लगाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर होगा वो नेक्स्ट वैल्यू को रीड करना स्टॉप कर देगा। तो इट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच प्रोग्राम। जैसे हमें किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो जनरली ये जो हाल्ट इंस्ट्रक्शन होता है ये हर प्रोग्राम का लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद जो आपका प्रोग्राम काउंटर होगा वो आगे की वैल्यू फीड करना बंद कर देगा। जैसे ये कोई एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, मूव बी सी, मतलब जो सी की वैल्यू होगी वो हमें बी में मूव करानी है। इसकी जो एड्रेस है वो है 2010H। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन है आपका एम वी आई डी 29, मतलब जो डी रजिस्टर होगा उसमें 29 हमें वैल्यू फीड करनी है। अब ये जो मूव बी सी था, मूव बी सी जो इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज थी वो कितनी थी, 1 byte की। ये आप देख सकते हैं मैंने इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज आपको बताई थी माइक्रो प्रोसेसर के प्रीवियस वीडियोस में। तो 2010 में 1 ऐड हो गया तो 2011 इसका न्यू एड्रेस हो गया। अब एम वी आई डी 29 इसकी जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज है वो है 2 byte की। तो 11 में आपका 2 ऐड हो गया, आपकी जो न्यू एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 2013। इसके बाद आपने नोप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो नोप की जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज थी वो थी 1 byte की, तो आपका न्यू एड्रेस हो गया 2014। ये सारी वैल्यू आपकी कहाँ आ रही है, प्रोग्राम काउंटर में, ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेसेस में फीड हो रहा है। अब नोब के बाद आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया हाल्ट ऑपरेशन। तो हाल्ट ऑपरेशन हमने यहाँ पर देखा कि इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज इसकी कितनी है, 1 byte। तो जो आपकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2015, और ये जनरली लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी प्रोग्राम का। तो उसके बाद आपका प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट वैल्यू को फीड करना बंद कर देगा। तो जो प्रोग्राम काउंटर की फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2015। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2015। तो ये नोब और हाल्ट ये हुए आपके मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो नोब एंड हाल्ट आर मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सो स्टेटस ऑफ फ्लैग विल नॉट अफेक्ट। जो आपके फ्लैग रजिस्टर थे वो इन इंस्ट्रक्शन के कारण अफेक्ट नहीं होंगे, जो उनकी प्रीवियस वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी।
नो और हल्ड इंस्ट्रक्शन आपके फ्लैग को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब इसमें हम आगे देखते हैं एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड आपका क्या होता है? एड्रेसिंग मोड आपका होता है फॉर्म ऑफ एड्रेस ऑफ डेटा, मतलब आपका कोई डेटा है उसका एड्रेस किस फॉर्म में हमें गिवन है, उसका एड्रेस हमें किस फॉर्म में गिवन है, वो होता है आपका एड्रेसिंग मोड। तो फॉर्म ऑफ एड्रेस ऑफ डेटा गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। जैसा कि इसका नाम आपको डिनोट कर रहा है, एड्रेसिंग मोड मतलब जो डेटा है उसका एड्रेस हमें किस फॉर्म में गिवन है तो उसको बोलते हैं हम एड्रेसिंग मोड। तो देयर आर मेनली फाइव टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। जो आपके एड्रेसिंग मोड है जनरली फाइव टाइप के होते हैं कि आपको जो डेटा है उसका एड्रेस किस फॉर्म में हमें गिवन है। तो फर्स्ट आपका जो एड्रेसिंग मोड है वो होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जैसा कि इसका नाम डिनोट कर रहा है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड मतलब इफ एड्रेस ऑफ डेटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर, अगर आपको डेटा का जो एड्रेस है वो रजिस्टर के फॉर्म में गिवन है तो वो आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मूव बी सी, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको डेटा का एड्रेस रजिस्टर के फॉर्म में गिवन है, बी रजिस्टर है और सी दोनों रजिस्टर हैं, तो आपको जो डेटा का एड्रेस गिवन है वो रजिस्टर के फॉर्म में गिवन है। तो ये इस टाइप के इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे आपके काय में रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। दूसरा आपका आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपका क्या हुआ, अभी तो हम देख रहे थे कि आपको डेटा का एड्रेस रजिस्टर के फॉर्म में गिवन था तो आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। अगर आपका डेटा का एड्रेस आपको सीधे सीधे गिवन है इंस्ट्रक्शन में तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसा कि इसका नाम डिनोट कर रहा है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब हमें जो डेटा है उसका एड्रेस सीधे सीधे मालूम है या सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन में गिवन है तो वो सारे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे आपके डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर। इफ एड्रेस ऑफ डेटा इज इटसेल्फ गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, मतलब डेटा का जो एड्रेस है वो सीधे सीधे हमें इंस्ट्रक्शन में गिवन है तो वो इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे आपके डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। इसका एग्जाम्पल है इन 25H, ये इन और आउट वाले इंस्ट्रक्शन हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में सारे देखे थे। तो इन 25H आपका क्या करता है, इनके बाद ये आपका क्या है, एड्रेस गिवन है, डेटा का एड्रेस गिवन है मतलब 8 बिट का एड्रेस है, तो ये आपको सीधा सीधा डेटा का एड्रेस मिल गया इंस्ट्रक्शन में, तो हो गया आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्योंकि इफ एड्रेस ऑफ डेटा इटसेल्फ गिवन इन द इंस्ट्रक्शन तो ये डेटा सीधे सीधे आपको इंस्ट्रक्शन में एड्रेस गिवन है तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे आपके डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। इसी टाइप से आपका दूसरा एग्जांपल आउट 25H करके भी होगा तो उसमें भी आपको सीधे सीधे डेटा का एड्रेस गिवन है तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगली कैटेगरी इसमें आपकी आती है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का मतलब आपका ये होता है कि सीधे सीधे आपको डेटा ही गिवन है उसमें, सीधे सीधे आपको डेटा गिवन है इंस्ट्रक्शन में। इफ डेटा इटसेल्फ गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, जैसे कि ये आपको कोई इंस्ट्रक्शन गिवन है और इसमें सीधे सीधे आपको डेटा गिवन है, तो जैसे एग्जांपल इसमें देखते हैं MVI B96H। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन है आपका उसका लास्ट अगर कैरेक्टर आई है तो उसके बाद जो आपको वैल्यू गिवन होगी वो क्या होगी, डेटा इटसेल्फ गिवन होगा। तो इसमें आपको डेटा का एड्रेस नहीं गिवन है, सीधे सीधे आपको डेटा गिवन है तो ये हो जाएगा आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। डेटा इटसेल्फ गिवन इन द इंस्ट्रक्शन तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ये सारे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे आपके इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में। इफ ऑपकोड लास्ट कैरेक्टर आई देन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, अगर आपके ऑपकोड का ऑपकोड आपका ये हो गया और ऑपरेंड हो गया आपका ये, तो अगर आपके ऑपकोड का लास्ट कैरेक्टर आई है तो वो सारे इंस्ट्रक्शन आपके इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंडर में होंगे, क्योंकि आई के बाद आपको सीधे सीधे डेटा गिवन होता है और वो कैटेगरी हो जाएगी आपकी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला एड्रेसिंग मोड होता है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इफ एड्रेस ऑफ डेटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट ऑफ रजिस्टर और एड्रेस ऑफ डेटा गिवन इनडायरेक्टली, अगर मान के चलिए आपको कोई इंस्ट्रक्शन गिवन है और उसमें डेटा का एड्रेस जो आपको गिवन है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको गिवन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एम रजिस्टर के बारे में, एम रजिस्टर आपका क्या होता है, मेन मेमोरी में अलग से डिफाइन होता है आपका एम रजिस्टर। तो जैसा कि इसमें एग्जांपल हम देखते हैं मूव बी एम आपको कोई एग्जांपल गिवन है तो इसमें जो आप देख सकते हैं आपको डेटा का एड्रेस इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन है, क्योंकि जैसा कि एम रजिस्टर है उसके लिए पहले आपको मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, फिर मेन मेमोरी में जाके आपको डेटा मिलेगा। तो
मतलब आपको जो डेटा का एड्रेस गिवन है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन है, सीधे सीधे नहीं गिवन है आपको। ये सारे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे आपके इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। इसके बाद आपका अगला एड्रेसिंग मोड आता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, इफ एड्रेस ऑफ डेटा इज नॉट रजिस्टर्ड, जो आपका डेटा का एड्रेस होगा वो रजिस्टर के फॉर्म में नहीं होगा, इट ऑलरेडी डिफाइन इन ऑप कोड, ये आपका सीधे सीधे ऑप कोड में ही डिफाइन होगा। तो इसकी कैटेगरी में जो आते हैं वो होते हैं नोप हो गया, CMA हो गया और हाल्ट इंस्ट्रक्शन हो गए। ये हम देख चुके हैं ये आपके मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं। और जो इनमें एड्रेसिंग मोड होता है वो होता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो ये आपके पांच टाइप के एड्रेसिंग मोड हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस एड्रेसिंग मोड में आ रहा है। तो ये हो गए आपके सारे एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड हो गया। तो ये सारे आपको इंस्ट्रक्शन याद रखने हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेसिंग मोड में आपको गिवन है। अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन देख रहे थे 8 बिट के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, अभी हम देखने वाले हैं 8 बिट के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब आपका या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बाद हम देखेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में आपके वो आते हैं एंड गेट हो गया, और गेट हो गया और एक्सोर गेट हो गया। तो ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर की प्रॉपर्टी देखी थी वो क्या हो रही थी आपकी, जो आप अर्थमेटिक या लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसमें से हमेशा एक नंबर आपका एक्यूमुलेटर से होगा और दूसरा आपका कोई भी रजिस्टर होगा। उसमें जब आप अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट आपका हमेशा कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में, और जो दूसरा आपका रजिस्टर था या दूसरा नंबर था वो एज इट इज रहेगा। तो इसमें हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन देखते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में आपके सब्सट्रैक्शन एडिशन वाले ऑपरेशन आएंगे। तो इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका एड आर, तो जो आर यहाँ पर डिनोट कर रहा है आपका रजिस्टर। तो रजिस्टर में आ जाते हैं आपके ए बी सी डी ई एच एल और एम, इतने टाइप के रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल है। और एड आर की जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो कितनी होगी, 1 byte की। जैसे आर की जगह पर आपने यहाँ पर बी रख दिया तो भी इसके इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितनी हो जाएगी, 1 byte की। लेकिन यहाँ पर बी की जगह पर हम कोई भी डेटा रख देते हैं जैसे एड 29, तो ये आपका सीधा सीधा डेटा गिवन है तो वहां पर इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो जाती है आपकी कितनी, 2 byte की। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको डिटेल से ये बताया था। तो जो एड आर आपका ऑपरेशन होगा वो क्या करेगा, R will get added in A accumulator and result will store in accumulator। जो आपका register होगा वो accumulator के data के साथ add हो जाएगा और जो आपका result आएगा final वो आपका accumulator में store हो जाएगा। तो इसका हम example देखते हैं add R का, जैसे MVIA 29, I के बाद आपको data given है तो 29 आपका accumulator में store हो गया। तो accumulator का जो new data हो गया वो हो गया 29H, MVIB 86, यहाँ पर बी में आपका डेटा हो गया 86। अब आपने ऑपरेशन लगाया एड बी, एड बी मतलब जो आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एक वैल्यू तो आपकी हमेशा एक्यूमुलेटर की होगी और दूसरा रजिस्टर होगा। अब आपने ए को बी में ऐड किया तो जो रिजल्ट आया वो आपका कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में जो आपका डेटा हो गया वो हो गया ये, और बी में जो आपका डेटा था वो एज इट इज 86 रहेगा और एक्यूमुलेटर में आपका न्यू रिजल्ट जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हुआ आपका ये एड आर इंस्ट्रक्शन। अब इसमें हम देखते हैं इफ जो आपने रजिस्टर वैल्यू ली थी, इफ वो रजिस्टर की वैल्यू अगर आपकी एम के इक्वल नहीं है तो आपके इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लेकिन अगर जो आप रजिस्टर की वैल्यू लेंगे वो एम के इक्वल ले लेंगे तो आपका जो एड्रेसिंग मोड होगा वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। ये हम देख चुके हैं एड्रेसिंग मोड में, तो आप वहां से देख सकते हैं इनको। अगला आपका इंस्ट्रक्शन होता है एड आई 8-bit डेटा, एड आई 8-bit डेटा। यहाँ पर आपको जो लास्ट कैरेक्टर आई गिवन है तो इसके बाद हमेशा 8-bit का डेटा गिवन होगा। 8-bit का जब डेटा गिवन होगा तो इंस्ट्रक्शन जो वर्ड साइज हो जाएगी वो 2 byte की हो जाएगी और ऑपरेशन इसका क्या हो जाएगा, 8-bit डेटा गिवन इन द इंस्ट्रक्शन विल गेट एडेड इन एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। जो आपको 8-bit का डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में सीधे सीधे एड हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एड आई इंस्ट्रक्शन। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
थैंक यू फ्रेंड्स।